लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सभी को इंतजार है 23 मई का, जब इस बात का खुलासा होगा कि आखिर किसकी बन रही है सरकार। मगर उससे पहले एग्जिट पोल के परिणाम जरूर सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, जबकि यूपीए को झटका लगा है। बढ़त से जहां बीजेपी काफी उत्साहित है, तो वहीं विपक्ष ने एग्जिट पोल का ईवीएम से कनेक्शन जोड़कर एक साजिश की ओर इशारा कर दिया है। तो क्या कहता है विपक्ष, आइए देखते हैं। क्या एग्जिट पोल एक छलावा है, असल में ईवीएम से खेल कराना है? ये आरोप है विपक्षी दलों का। लोकसभा चुनाव से पहले सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद तमाम विपक्षी दलों ने अब एग्जिट पोल का ईवीएम से कनेक्शन जोड़कर साजिश की ओर इशारा किया है। कांग्रेस से लेकर जेडीएस टीएमसी तक सभी ने इस बात का आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल की आड़ में बीजेपी बड़ा खेल खेल रही है। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दल भी ने कहा कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब ईवीएम में धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि सभी एग्जिट पोल एक तरफा नतीजे दिखा रहे हैं, इसलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एग्जिट पोल जैसे रिजल्ट आते हैं तो हमारा मानना है कि पिछले दिनों तीन राज्यों के चुनाव में जहां जहां कांग्रेस जीती है वो एक साजिश थी। अलवी ने कहा कि कांग्रेस की जीत के साथ ये भरोसा दिलाया गया कि ईवीएम सही है और चुनाव आयोग पर सरकार का कोई दखल नहीं है। वहीं कर्नाटक के सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि 19 मई को आए एग्जिट पोल के सर्वेक्षणों ने विपक्षी दलों की उस गंभीर चिंता को दोहरा दिया है जो कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनावी लाभ के लिए ईवीएम के दुरुपयोग के कारण थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो एग्जिट पोल को अटकलबाजी करार देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे सर्वेक्षणों पर भरोसा नहीं, क्योंकि इस रणनीति का इस्तेमाल ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए किया जाता है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार की बौखलाहट से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। खैर, अब सच क्या है ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।